गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन योर ऑनलाइन मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी जस्ट स्टडीड एक्सरसाइज 3A एंड आई हैड गिवन यू होमवर्क एंड देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु कम्प्लीटेड होमवर्क एंड ऑल्सो देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु हैडन कम्प्लीटेड होमवर्क। सो नाउ वी आर इन एक्सरसाइज 3B। सो दोज स्टूडेंट्स हु हैडन कम्प्लीटेड, यू ऑल सबमिट योर होमवर्क, ओके। एंड नाउ we will just now today analyze exercise 3b. student, in exercise 3b it is basically addition of decimals. Like first number is given 16, 8.7, 0.94, 6.8 and 7.77. students, आप लोगों को याद होगा previous class में मैंने बताया था कि अगर decimals का addition करना है तो पहले decimals को like decimal में convert करना पड़ेगा। तो like decimal में convert करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को decimal place equal करना होगा। तो इसमें maximum decimal place 2 है, तो हम लोगों को सारे नंबर्स को डेसिमल प्लेस 2 तक लिखना होगा। फॉर एग्जांपल 16 को हम लोग लिख सकते हैं 16.00, 8.70 हो जाएगा, 0.94 तो है ही, 6.8 6.80 हो जाएगा, 7.77 हो जाएगा। तो सारे में डेसिमल्स जो हैं वो 2 हो गए, डेसिमल प्लेस सबका 2 हो गया। दैट मीन सारे अब लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। नाउ यू मे ऐड दिस एंड इस तरह से हम लोग इसको ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। लाइक 36.74 को सब्ट्रैक्ट करना है 52.6 से, तो स्टूडेंट 52.6 में डेसिमल प्लेस 1 है और 36.74 में डेसिमल प्लेस 2 है। तो पहले हम लोग 52.6 को डेसिमल प्लेस 2 तक लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसके आगे एक जीरो पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 52.60। नाउ अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 15.86। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3B इज बेस्ड ऑन दिस प्रोसीजर। तो आप लोग इसी तरीके से लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद डेसिमल का एडिशन और डेसिमल का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो टुडे आई एम गिविंग यू ऑल होमवर्क ऑफ एक्सरसाइज 3B। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर यू ऑल।